जगतियाल रुकन असेंबली डॉक्टर एम संजय कुमार ने आज मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जगतियाल के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। संजय कुमार ने अपने एक पयाम में कहा कि हम सबको पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से तहरीक हासिल करनी चाहिए, जो कि तमाम इंसानों के दरमियान मसावात और ख़याम अमन पर मबनी है। इस मौके पर संजय कुमार ने कहा कि जगतियाल में अमन और भाईचारे के साथ हम सब मिलकर रहते हैं। पूरे मुसलमान इस्लाम को मानते हैं, उनका सबसे ज्यादा रोज याद करने वाले मोहम्मद प्रवक्ता के जन्मदिन है। मोहम्मद प्रवक्ता को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम से याद करते हुए नमाज करना, दुआ करना मुसलमान करता है। ये मोहम्मद प्रवक्ता पूरे दुनिया को, यहाँ की खाली मुसलमानों को एक ही मज़हब के नहीं, पूरा दुनिया को भी एक मैसेज दिया है कि अमन रहना और मिलजुल कर रहना। वैसे ही हिंदुस्तान तो एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ हर एक मज़हब वाले पूरे बराबर हक से जी सकते हैं। जमात इस्लामी हिंदुओं ने जो पूरे बहुत सा जमात इस दिन इज्तिमा करना, मसाजियों में नमाज करके दुआ करना, ये सब करता है। ये दुनिया अब चाहता है अमन। अब कहाँ भी देखो एक ना एक मुल्क में कुछ ना कुछ झगड़े ऐसा हो रहे। मैं फिर एक बार पूरे मुसलमानों को मोहम्मद प्रवक्ता के जन्मदिन के अपने मुबारकबाद पेश करते हुए अपने जगतियाल में भी पूरा अमन रहना, अपन मिलजुल कर रहना और अल्लाह के दुआ से मोहम्मद प्रवक्ता आशीषों तोड़ी के दुआ से अच्छा जो बारिश गिरे अपना ज़िरात का मुल्क है, ज़्यादा ज़िरात करता है तो और भी अच्छा बढ़ना, नौजवान साथियों को और अच्छा नौकरियां मिलना बोल के मैं भी दुआ करते हुए फिर एक बार जो भी मोहम्मद प्रवक्ता को मानते हैं सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ।